नमस्कार, हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से डॉक्टर एके प्रसाद यानी अनिल पतंग की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। भाइयों बहनों माताओं, आज हम आपके सामने, आज क्या प्रत्येक दिन में आपके सामने आपके तमाम शारीरिक विसंगतियों की चर्चा करता हूं और उससे जो निदान की तरकीब है आहार पद्धति से। मेरा मानना है, मेरा क्या दुनिया के बहुत सारे चिकित्सकों का मानना है कि आहार के कारण ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो हमारे आहार पर ही हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारे स्वास्थ्य सब कुछ निर्भर करता है। अब मैं बताऊं, अगर इस तरह के काम आपको बहुत अच्छा ही तो लगता ही है, आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करते हैं, बगल में घंटी वाले आइकॉन को दबा के आप नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर देते हैं तो हमारी सारी सूचनाएं आपको मिलती है। आज मैं एक बच्चों में होने वाला रोग, बड़ों में भी होता है लेकिन अधिकांश बच्चों में एक रोग जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं, वह है कृमि रोग। ये बहुत खतरनाक भी होता है और इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, कैसे इसका बचाव हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, कृमि रोग जो है वह सामान्यतया बच्चों में होने वाले रोग, जिसे आमतौर पर सामान्य रोग समझा जाता है, लेकिन अगर सौ समय इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे रक्त अल्पता जिसे एनीमिया कहते हैं, पेट की गड़बड़ी, कुपोषण का शिकार बच्चा हो जाता है, आंत्रवरोध, बातों का जो रुकावट, एलर्जी इत्यादि विसंगतियों के कारण जान तक जा सकती है। लाखों बच्चे खाने वाली सामग्रियों के साफ न होने के कारण तथा प्रदूषित जल सेवन के कारण संक्रमित होते हैं और हजारों की जान चली जाती है, लाखों की जान चली जाती है। देखिए इसमें क्या है, राउंड वर्म के कारण और इससे भी अधिक हुक वर्म के कारण, जो जिसको ये या टेप वर्म के कारण ये ग्रसित होकर बच्चे मृत्यु का शिकार होते हैं। आपको मैं बताऊं, थ्रेड वर्म जिसको सूत्र कृमि कहते हैं, वह भी इसमें से एक है। यो 50 से अधिक या लगभग 50 के आसपास ये इस तरह की कृमियों की संख्या होती है, लेकिन सबकी चर्चा करना न संभव है न आपको आवश्यकता है। जो प्रमुख कृमियां हैं उसमें से मैं ऊपर वर्णित चार कृमियों की चर्चा करना चाहता हूं। अब इसके विभिन्न प्रकार के कृमियों की चर्चा हम करना शुरू करें तो पहले हम देखें कि एक गोल कृमि जिसको राउंड वर्म कहते हैं, स्कोरिस भी इसको कहा जाता है, यह लंबा होता है और कुछ इंचों से एक फुट तक की इसकी लंबाई होती है, जो काफी गोल होता है और दोनों छोर पर कुछ पतला सा होता है। यह बच्चों के आंतों में, कुछ बड़ों में भी होता है, यह गुच्छे के रूप में आंतों में जमा होकर और आंत को जाम करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। या आप कभी कभी देखते होंगे कि बवन उल्टी में या शौच में एक निकलने का एक गुच्छा बना के निकलता है, ये इस प्रकार के कृमि प्रतिदिन लाखों अंडे देती है, इसलिए इसकी वृद्धि बहुत ज्यादा होती है और हमारे बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, ये हमारे ऊपर भी पड़ता है। दूसरा होता है धागा कृमि जिसको थ्रेड वर्म कहते हैं, यह प्राय हमारे आंतों के निचले हिस्से में पाए जाते हैं और इसकी जो वृद्धि होती है इतनी तेजी से होती है और ये प्रत्येक दिन मैंने 10,000 तक अंडे, इसके मादा जो होती है कृमि 10,000 तक अंडे प्रतिदिन देती, जो हमारे मल द्वार पर, आपको कभी कभी अनुभव हुआ होगा कि मल द्वार पर लगता है कि कुछ उसको सुपुगा रहा है, कुछ निकल रहा है, उसमें जलन हो रही है, खुजली हो रही है और इस मल को अगर आप शौच के बाद अगर मल को देखें तो लगेगा कि उसमें कुछ कीड़े, कुछ वो थ्रेड जो वर्म है वो उसे सुपुगा रहे हैं या तो फिर तो माइक्रोस्कोप तो है ही। ये ऐसा होता है कि बच्चे को कभी कभी होता है कि बच्चे जब बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो उसके कारण भी इस तरह के थ्रेड वर्म होते हैं।
तीसरे तरह का जो एक वर्म होता है अंकुश कृमि हुक वर्म, इसके ये जो होते हैं मुंह वो हुक जैसे होता है, ऐसा हुक जैसा, और हुक जैसा होने के कारण ये आंतों में चिपक जाता है और उससे खून चूसता रहता। जैसे बच्चों बच्चे या बड़े भी एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, और इस तरह की जो कृमियां हैं या इसको जो अंडे होते हैं वो हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। चौथी प्रकार की कृमि जो होती है टेप वॉर्म, यह चपटा सा फीता आकार की कृमि होती है जो ये पूर्ण विकसित होने पर बहुत लंबी यानी 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, जो छोटे छोटे अंडों में वो ये विभक्त तो होती है, और ये मल में जब आप देखेंगे तो लंबी रेखा या लंबी धागा की तरह दिखाई पड़ती है। यह कृमि भी आंतों में चिपक कर खून चूसने का काम करती है, जिससे हम एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, रक्त अल्पता हो जाती है। अब यह सवाल उठता है कि ये हमारे आंतों तक पहुंच कैसे जाती है। ये कृमियां जो है वो परजीवी होती है, यानी अपना भोजन खुद नहीं बनाती, यह अपना भोजन मनुष्य के शरीर से ही प्राप्त करती। अब राउंड वॉर्म की चर्चा करें तो राउंड वॉर्म दूषित जल या आहार के साथ आंतों में आ जाते हैं, फिर इसे ये क्या करते हैं कि रक्त प्रवाह द्वारा ये फेफड़ों फिर श्वास नली के माध्यम से आंतों में पहुंचकर अपना स्वरूप धारण करती है। अब ये दूसरी ये जो है ये लगभग अगर 70 जो कृमियों को कि गणना करे वो कितना भोजन करती है, तो प्रतिदिन 10 ग्राम भोजन हमारे शरीर का वो चट कर जाती है। 70 कृमियां बात आपको हमने बताया कि लाखों कृमियां होती है। याता है कि वो खास करके ये दूसरा जो है सूत्र कृमियां, सूत्र यानी थ्रेड, थ्रेड वॉर्म, ये खास करके गंदे हाथों द्वारा जब हम बिना मुंह धोए भोजन करते हैं तो गंदे हाथों द्वारा हमारे मुंह में जाकर अपना रूप धारण कर वो मुंह में जाकर फिर वहां से जो भोजन के द्वारा आंतों में पहुंचकर अपना रूप धारण करते हैं। यह अंकुश कृमि जिसको हुक वर्म हमने कहा है, यह जो है ये आपको देखिए ये नमी युक्त जो पानी भींगा हुआ हो जमीन हो उस पर ये होता है, जब उस पर हम चलते हैं तो ये पैर के तलवों के माध्यम से जब नंगे पैर हम चलते हैं तो तलवों के त्वचा के द्वारा ये रक्त वाहिका में पहुंच जाती है और वहां से फिर आंत में पहुंचकर अपना वो काम शुरू कर देती है। ये कृमियां खास करके सुअर और गाय के अंदर ही पाई जाती है। जब हम इन जानवरों का मांस सेवन करते हैं तो यह फीता कृमि हमारे पेट में पहुंच जाता है, और ये जो हमारी गंदी दूसरा बात है कि हमारी दूसरी बात है कि हमारी गंदी आदतें ही इसका मुख्य कारण हुआ करता है। हम खुले में जलाशयों के पास बाग बगीचों में खुले मैदानों और खेतों में शौच किया करते हैं, तो इसके अंडे या लार्वा जो है सो जमीन पर फैल जाते हैं और वहां से जलाशयों या उन वृक्षों या सब्जियों के द्वारा में वो उसका समावेश होता है, और समुचित स्वच्छता के अभाव में जल या सब्जियों द्वारा हमारे पेट में पहुंच जाते हैं। तब इसके कारण लक्षण क्या होता है, जी का मिचलाना, उल्टी, दस्त होता है। छोटे बच्चों में तो दूध के पचाने की शक्ति तक खत्म हो जाती है, उसके पचाने वाला जो एक एंजाइम होता है लैक्टेस उसका निर्माण कम हो जाता है, जिससे वो बच्चे दूध पचा नहीं पाते। आप देखते होंगे छोटे बच्चे से मुंह से वो दूध ही उबकाई हो जाती है, अब वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, दुबले और कमजोर हो जाते हैं, और कभी कभी उनके उल्टी के द्वारा मुंह नाक और मल द्वार से भी इस तरह के वो चीज निकलते हैं वो किडनियां। इसके कारण उनके सांस फूलने लगते हैं, खांसी और दमा तक के शिकार हो जाते हैं, जो रात में इसका दौरा अधिक आता है। एलर्जी के शिकार हो सकते हैं बच्चे, जिसमें वो चकते हो जाते हैं शरीर में, पूरे शरीर में जो खुजलाहट भी होती है। एक कृमि नारू कृमि जिसकी चर्चा हमने नहीं किया है,
वो जो है वो वर्म वो पेट में क्या करता है, गिनी वर्म जिसको कहते हैं, पेट पैर में वो छाला उत्पन्न कर देता है, छाला मतलब वो फफोले, और उसको उत्पन्न करके वो धागे के रूप में वो निकलता है बाहर, जो बहुत ही खतरनाक होता है। और इससे हम उम्मीद करते हैं कि 70-80 लाख से अधिक बच्चे सिर्फ भारत में असमय कालकल्पित होते, क्योंकि ये कृमियां आंतों में रहकर हमारे भोजन का अवशोषण करते हैं और हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ये जो अंकुश कृमि है हुक वॉर्म, एक दिन में जानते हैं 0.75 ग्राम यानी 0.25 ग्राम खून का शोषण कर लेता है, चूस लेता है, और यह जिससे बच्चों के रक्त में कमी और कुपोषण के शिकार तो बच्चे हो ही जाते हैं और बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये कृमियां हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं और हमारे ग्रंथियों को, पेंक्रियाज को, अपेंडिक्स आदि में सूजन उत्पन्न कर देते हैं। कुछ खास कृमियां जैसे फीता कृमि जो मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न करती है, जिससे अपसमार जिसको मिर्गी भी कहते हैं, और आंख की ज्योति आदि को कम कर देता है। इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं? तो जिन कारणों से ये चीजें होती हैं उसको दूर कर दें। पहली बात है कि स्वच्छता पर अधिक से अधिक ध्यान दें, नाखूनों की सफाई, शौचोपरांत हाथ को अच्छी तरह सफाई, अपने घरों में शौचालयों की बहुत बेहतर ढंग से सफाई और एंटी सेप्टिक आदि का प्रयोग, घर में या बाहर में आप जूते या चप्पल पहन के ही निकले। जो फल और सब्जियां हम घर में लाते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह साफ करके और संभव हो तो थोड़ा सा गुनगुने पानी से भी साफ कर दिया करें, जिसके कारण इसमें क्या होगा कि उसके जर्म्स मर जाएंगे। और आपको हमने बताया कि ये जो कृमियां होती है सूअर और गाय के शरीर में पलते हैं, जिसके कारण आप उसके मांस का प्रयोग बंद कर दें, सूअर और गाय का मांस प्रयोग एकदम बंद कर दें, और अधपका मांस भी न खाएं, किसी तरह का मांस को आप अधपका नहीं खाएं, नंगा पांव नहीं घूमे। आप देखिए नियमित सफाई तो आप करें ही, स्वच्छता का और खास करके स्वच्छ और उबाल कर अगर जल का सेवन करें, आप छान कर जैसे भी हो उसको बहुत अच्छी तरह से सेवन करें, तो शायद आप इस तरह के जो कृमि रोग के शिकार कम हो सकते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनके जब हो जाए तो उसका क्या निदान हो सकता। आजकल केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से शौचालय निर्माण प्रक्रिया में काफी दिलचस्पी दिखाई जा रही, आप लोग उसका इस्तेमाल करें, घर से बाहर शौच न करें, यह भी आपके कृमि रोग से बचने का उपाय हो सकता। अब अगर हो जाता है तो क्या उपचार किया जा सकता है, खास के घरेलू उपचार की मैं चर्चा करूंगा। आप अजवाइन आपके घर में है, गुड़ भी आपके घर में है, अजवाइन और गुड़ का आप छोटा छोटा मटर के समान गोली बना लीजिए बराबर मात्रा में, और उसको सुखाने के बाद आप बच्चों को एक सुबह एक शाम अगर उसको खिलाए तो बहुत लाभ हो सकता है, वो जो कृमि है वो निकल जा सकते। आप देखिए पहले बच्चों को 10 ग्राम गुड़ खिला दीजिए, गुड़ खिलाने से क्या होगा तो पेट के अंदर की जो सारी कृमियां है वो गुड़ जहां पहुंचेगा वहां पर सब एक जगह जमा हो जाएगा। अब ऊपर से आप आधा ग्राम, अगर छोटा बच्चा है तो आधा ग्राम, और बड़ा अगर हो तो उसको 2 ग्राम तक आप अजवाइन का चूर्ण अगर खिला देते हैं तो आप सारे वो जो कृमि होंगे वो मर जाएंगे और मर के निकल जाएंगे। प्याज बहुत उपयोगी होता है, प्याज का 1 चम्मच रस ले लीजिए और आधा चम्मच शहद मिला के भी आप पिलाइए, इससे भी आपके जो कृमि रोग कृमियां निकल जा सकती है। नीम की पत्तियां 5 ग्राम ले लें, उसमें थोड़ा सा हींग डाल के पीस के आप उसको पिला दीजिए, उसको गर्म भी थोड़ा कर लीजिए, हींग को पीस के और उसको पिला दीजिए, थोड़ा सा लीजिए। अब देखिए यह इसमें आप छाछ जो है उसमें आप क्या कीजिएगा, 1 गिलास छाछ लीजिए, उसमें 10-12 बूंद लहसुन का रस लगा दीजिए, उसको पिलाने से भी आपका हो जाएगा। लहसुन आप देखिए लहसुन जो है उसका रस 1 ग्राम ले लीजिए और शहद के साथ पिलाइए, उससे भी लाभ होगा।
काला नमक भी बहुत उपयोगी होता है। तो एक चुटकी काला नमक में थोड़ी सी अजवाइन का चूर्ण मिला के आप गुनगुने पानी के साथ अगर सेवन करते हैं तो उससे भी आपका कीड़ा ये कृमि निकल सकता है। हल्दी के पाउडर को थोड़ा भून दीजिए, आधा चम्मच लीजिए और उसका सेवन कीजिए तो भी आपका लाभ करेगा। कच्ची हल्दी भी आप थोड़ा सा खा सकते हैं। करेले का रस बहुत उपयोगी होता है। कच्चा नारियल भी, बहुत सारे इलाकों में बच्चों को जब कृमि होता है तो कच्चा नारियल खिलाते हैं। ठीक है, हमारे गांव में एक भांट का पौधा होता है, उसमें आप बाइबेडिंग मिला के आप अगर उसका सेवन करें तो आपके कृमि का नाश हो सकता है। परवल का पत्ता, देखते हैं परवल एक सब्जी होती है, और उसमें आप धनिया के पत्ता का रस जूस मिला के आप थोड़ा सा 2 चम्मच का प्रयोग करें तो उससे आपका लाभ हो जाएगा। देखिए इसमें गोरखमुंडी के बीज का चूर्ण भी लाभकारी हो सकता है, और तेजपत्ता जो हमारे किचन में मौजूद है उसके चूर्ण का भी प्रयोग करने से हमें कृमि रोग से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारे आयुर्वेद और दूसरे पद्धतियों में इसकी दवाएं हैं, आप उसका इस्तेमाल करके कृमि को समाप्त कर सकते हैं। सरकार की ओर से भी हम देखते हैं कि एडमिंडाजॉल का वितरण किया जाता है फ्री, वो हमारे आंगनबाड़ी सेविका और दूसरे लोगों के द्वारा, तो उसका भी सेवन लाभकारी आपका हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के कोई लाभ हो, कोई बात कहनी हो, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारे यहाँ बिल्कुल आहार पद्धति से ही सभी रोगों की चिकित्सा होती है, क्योंकि आहार की गड़बड़ी से ही रोग होता है और आहार को ठीक करके ही रोग खत्म कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। We'll be right back.